हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंशु। आज हम प्रोफेशनल राइटिंग के बारे में जानेंगे। प्रोफेशनल राइटिंग क्या है और प्रोफेशनल राइटिंग को करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। आज हम स्पेसिफिकली रिव्यू द लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। लिटरेचर रिव्यू एक प्रकार का सर्वे है, एक प्रकार का स्कॉलरली सर्वे है और पर्टिकुलर टॉपिक पर हम इस प्रकार का सर्वे करते हैं। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ की फाइंडिंग्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट्स। हमको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के फाइंडिंग्स पता चलती हैं, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है और हम उसके आगे क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, ये हम उस तरह के लिटरेचर को पढ़ करके पता कर सकते हैं जो किसी एक टॉपिक पर लिखा गया है। In relation to the research problem that you may have identified, या फिर एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है उससे रिलेटेड आप कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं। A good literature review does not just summarize the sources, खाली आपने जिन जिन लिटरेचर रिव्यू का मतलब है आपने पहले से लिखे गए लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं आप, उसमें और फाइंडिंग्स जो टॉपिक आपने रियली सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड क्या क्या फाइंडिंग्स आपको वहां पे दिखाई दे रही हैं उनको आप अच्छे से देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करना यानी समझना, अर्थ लगाना, अपने अनुसार उसे उसका मतलब निकालना एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द लिटरेचर, और उसके पश्चात आप उस लिटरेचर का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं यानी आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। सिंथेसाइज करते हैं अंत में आप सोर्सेस को टू हाईलाइट दी पैटर्न्स, थीम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गैप्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन द पर्टिकुलर लिटरेचर दैट यू आर रिव्यूइंग। तो इस प्रकार की प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं और अपने उस लिटरेचर रिव्यू के प्रोसेस के अंतर्गत ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं जिनको वन बाय वन आपको फॉलो करना होता है अपने रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हुए। और आज हम इसको कैसे करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है और इसके बारे में हम सारी चीजों के की डिटेल्स को आज जानेंगे। प्रोफेशनल राइटिंग क्या होती है और प्रोफेशनल राइटिंग के अंतर्गत स्पेसिफिकली हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आज बात करेंगे। लिटरेचर रिव्यू एक प्रकार का सर्वे है जो किसी स्कॉलरली सोर्स को, सपोज बुक किसी जर्नल में छपे हुए आर्टिकल की अगर हम बात करें उसको उसमें आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसे आप सेलेक्ट करते हैं और फिर एक ऐसा ओवरव्यू तैयार करते हैं, कुछ की फाइंडिंग्स को पता करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर वो डेवलप हो रहे हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एट द एंड आप उनको समराइज करते हैं, उनके सोर्सेस को आप साइट करते हैं, उनको अच्छे से बताते हैं यानी एनालाइज, इंटरप्रेट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द लिटरेचर। फिर उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं यानी समराइज करते हैं, एक साथ आपने जो जो पढ़ा जाना एनालाइज किया और आलोचनात्मक जो अध्ययन आपने किया उसको अंत में आप समरी के तौर पर बनाते हैं। तो इस ये सारी चीजें हम लिटरेचर रिव्यू में करते हैं। When do you have to write a literature review? आपको कब लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, इसको लिखने का मकसद क्या है, आपको इसको लिखने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। अगर आप किसी थीसिस या डिसर्टेशन को पढ़ रहे हैं, You will have to conduct a literature review to situate your research within existing knowledge. यानी पहले से विद्यमान नॉलेज के अंदर अगर आपको अपना टॉपिक दिखाई देता है किसी थीसिस में, किसी डिसर्टेशन में, किसी रिसर्च पेपर में, तो आप उसको वापस से पढ़ते हैं, कुछ नए आइडियाज आप उसके अंदर से निकालते हैं, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है उसे डिटेल में आप पढ़ने के बाद, कुछ क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी प्रोसीड करते हैं, कोई मेथडोलॉजी लेते हुए आप अपना काम करते हैं और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स या आउटकम्स आते हैं उनको आप समराइज करते हैं।
यू माइट ऑल्सो असाइन द लिटरेचर रिव्यू एज अ स्टैंड अलोन पेपर. कई बार आप एक पेपर भी लिख सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के तौर पर. और अगर आपको कोई ऐसा रिसर्च पेपर बनाना है, पब्लिश करना है, तो वो भी आप एक लिटरेचर रिव्यू में कर सकते हैं. कई आपको उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा हर बार, बट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स ईच एंड एवरी टाइम. हर बार एक ही तरीके से आपको लिटरेचर रिव्यू करना है. एक बार जान लेना है कि वो प्रोसेस क्या है, उनको किस प्रकार से फॉलो करना है. सबसे पहले जो स्टेप वन है वो ये कहता है कि आपको कलेक्शन करना है, इवैल्यूएशन करना है और लिटरेचर को सेलेक्ट करना है. सो दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो अ लिटरेचर रिव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ टॉपिक. एक ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है. उसके बाद आप उससे रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करिए और डेवलप द आर्ग्यूमेंट. फिर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे कि आपने उस लिटरेचर को पढ़ा तो आपको ये सारी चीजें दिखाई दी और आपने उसमें ये बदलाव करने की या फिर ये पर्टिकुलर फाइंडिंग्स हैं जो कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर सारे लिटरेचर में अलग अलग दिखाई दी या कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो आपको कुछ सिमिलर फाइंडिंग्स दिखाई दी. सर्वे द लिटरेचर और साइटेशन. उसके बाद आपको लिटरेचर के अंदर व्हाट द रिव्यू यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन द पर्टिकुलर लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू दैट यू आर डूइंग. अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं तो उस सेक्शन के अंदर आप किसी डिसर्टेशन, किसी रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं. यू विल सर्च फॉर द लिटरेचर रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम दैट यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई. और द रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है तो उससे रिलेटेड लिटरेचर की तलाश करेंगे और उनमें से कुछ लिटरेचर 4-5 लिटरेचर्स आप फाइंड आउट करके उन्हें रीड आउट करेंगे और उनसे रिलेटेड डेटास को कलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और एट लास्ट आप ऐसे लिटरेचर को सेलेक्ट करके उनका इवैल्यूएशन करके एंड में आप उसमें कंक्लूजन को डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम. इफ यू आर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू एज अगर आप कोई पेपर के तौर पे किसी असाइनमेंट के तौर पे भी आपको मिल जाता है कि आपको एक लिटरेचर रिव्यू लिखना है तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि डेवलप अ सेंट्रल क्वेश्चन टू डायरेक्ट योर रिसर्च. आपको एक प्रश्न ऐसा उठाना है जिस पर आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं. Unlike the dissertation research question, this question has to be answerable without collecting or generating new data. आप कोई नए डाटा उसको निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको एक अलग से रिसर्च करने वाले हैं. आप लोगों ने ऑलरेडी की गई रिसर्च को पढ़ रहे हैं और उन 4-5 लिटरेचर को पढ़ने के बाद आप उसको वापस से रिव्यू कर रहे हैं और फिर एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको समराइज. So it is based only on a review of existing publication. Review of literature का मतलब होता है already published papers होते हैं, dissertations होती हैं, research papers होते हैं, उनको पढ़ करके similar topic पे जो आपका research problem है उससे related literature जो पहले से publish हो चुका है उसको पढ़ करके आप अपने literature review का paper बनाते हैं. अब डेजर्टेशन रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोई भी डेजर्टेशन रिसर्च क्वेश्चन किस प्रकार से आप प्राप्त करते हैं, लिटरेचर रिव्यू रिसर्च क्वेश्चन कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ डिफाइंड टॉपिक. आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का पता करना है जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है जिस पर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना चाहते हैं. एक ऐसा टॉपिक जिसको आप पूरे पेपर के अंदर डील कर सकते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है और उससे रिलेटेड लिटरेचर को आप पढ़ रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे 7 स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ लिटरेचर रिव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई और क्वेश्चन. क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो. ये आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, अपने साइंस के
सारे विषय के अंदर आप इस प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं। रिव्यू डिसिप्लिन स्टाइल्स, यानी अगर आपने कोई ऐसा रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार से रिसर्च की गई है उसे आइडेंटिफाई करना है, उससे रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करना है, और उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिन्हें भी कोट करेंगे। सो क्रिटिकली एनालाइज एंड इवेल्युएट व्हाट एवर द लिटरेचर यू हैव सेलेक्टेड, जो लिटरेचर आपने अलग से सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसे बेटा आप लोग निकालेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और लास्ट में सिंथेसाइज करना होगा। और सिंथेसाइज करने का मतलब जो आपने डेटास वहाँ पे फाइंडिंग्स जो आपको मिली हैं उन पर कंक्लूजन आप देंगे और फिर राइट द रिव्यू, फिर आप उस पर रिव्यू लिखेंगे कि आपने उन 5-6 लिटरेचर्स को जो पढ़ा और उसमें आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या आइडेंटिफिकेशन आपने वहाँ पाया और आपको उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन सी फाइंडिंग्स वहाँ दिखाई दी, उन्हें आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और एंड में आप उनको सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद आता है रिसीव फीडबैक ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड लेआउट। तो एक प्रोसेस राइट अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट किया तो प्रोफेशनल एडिटर्स क्या करते हैं, जनरली प्रूफ रेड करते हैं, एडिट करते हैं आपके पेपर को जो आपने एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर पेपर के तौर पर तैयार किया है। उसमें आपको एकेडमिक स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है, वीक सेंटेंसेस को हटाना पड़ता है, ग्रामर को देखना होता है और स्टाइल और कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। राइटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप री राइट करिए, फिर प्लान करिए, आउटलाइन करिए, उसके बाद राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर आप लिखना शुरू करिए, अपना पहला ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसे रीड्राफ्ट करिए, एडिट करिए, प्रूफ रीड करिए और उसके बाद ही आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने ये सारे स्टेप्स के बारे में जाना। अगले सेशन के अंदर हम अपने और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो हमको डिटेल में जानने के लिए एक और सेशन में डिस्कशन करना होगा, हम उसको उसके अंदर डिस्कस करेंगे।